खनियाधाना में हुआ द्रोणा स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी का शुभारंभ। सद्भावना दौड़ का आयोजन कर प्रतिभागियों को दिए गए पुरस्कार। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने लिया कार्यक्रम में भाग। खनियाधाना में आज द्रोणा स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी का शुभारंभ किया गया। इसमें नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। सबसे पहले एकेडमी के द्वारा एक सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले युवाओं को पुरस्कार बांटे गए। एकेडमी के संचालक शिवनाथ सिंह बेस ने बताया कि हमारी एकेडमी में स्कूली छात्र छात्राओं को NIS कोचों के द्वारा हैंडबॉल खेल के साथ ही विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वो खेलों में भाग लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों का हिस्सा बनकर अपने नगर और प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन कर सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजू शर्मा राकेश भार्गव ने बताया कि युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्र सेवा में अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए। द्रोणा एकेडमी इसमें आपकी सहायक होगी और क्षेत्र के युवाओं को एकेडमी का सहारा लेकर अवश्य नाम रोशन करना चाहिए। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक मधुकर चौहान, सत्येंद्र सिंह चौहान, विनोद जी पांडे, राजीव जी यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के युवा शामिल हुए। ये अकेडमी चालू करी है यहाँ पर कि अपने नगर के जो गांव के ग्रामीण के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी या डिफेंस में CRPF IT में फिजिकल टेस्ट की तैयारी करें, वो बढ़िया वहाँ से निकले। बाकी स्पोर्ट्स का अपन चालू करेंगे इवनिंग सेशन में। मैं हैंडबॉल का मैं खुद NIS कोच हूँ और 2 से 3 बार अपने MP का राष्ट्रीय कोच रह चुका हूँ। अच्छा प्लेयर भी हूँ बास्केटबॉल हैंडबॉल का। बाकी गेम चालू करना चाह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ग्रामीण में बच्चों में हिम्मत ताकत तो होती है पर उनको निखारने की प्रतिभा नहीं होती है। एक मैंने अपने एकेडमी चालू करी इसी नाम से जिससे अपने नगर के जो बच्चे हैं वो निकलें और संभागीय राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लें, देश का अपने नगर का नाम रोशन करें। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज हमने 5 किलोमीटर की एक दौड़ करवाई थी जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ भी दी थी और काफ़ी अच्छा एक लड़का राजा यादव वो फर्स्ट भी आया। उसमें अच्छा काफ़ी शुभारम्भ हुआ और जिसमें हमारे साथ में श्री राकेश जी भार्गव जी, मधु सर जी, राकी और रामगोपाल शर्मा जी, शिव कुमार जी, बाकी मेरे सारे जो जितने मेरे स्टूडेंट हैं सबने काफ़ी सहयोग किया, पूरे स्टाफ ने सहयोग किया उसको बनाने में। इन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और पत्रकार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा।